Hey everyone, welcome to Biology at Ease. This video is part 3 of Locomotion and Movement Lecture Series. पिछली दो वीडियोस में हमने बोन और मसल्स इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करी थी. इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट वैल्यूज बताने वाली हूँ जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ते हुए आपको लर्न होनी चाहिए. तो सबसे पहले शुरू करते हैं बोन से. ऑसिफिकेशन ऑफ बोन फॉर्मेशन कब इनिशिएट होती है, कब स्टार्ट होती है? 6th और 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आई होप आप अपने पास पेन और कॉपी रख रहे होंगे ताकि जो मैं बोलूं आप नोट करते जाएं. ऑसिफिकेशन 6th और 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206. ह्यूमन बॉडी जो होती है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं. और ये जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन. ये हम जब बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था. तो अभी मैं सिर्फ वैल्यूज बताऊंगी, बाकी सब डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी. बोन्स कितनी होती हैं टोटल? 206, 206. एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 80 बोन्स. एपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 126 बोन. अब एक्सियल स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स लिखेंगे और हर पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं उनके बारे में लिखेंगे. एक्सियल स्केलेटन के अंडर क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? 8. फेशियल बोन्स 14. वर्टिब्रल कॉलम 26. स्टर्नम 1. हायर्ड बोन 1. एयरोसाइकल्स 6 एंड रिब्स 24. तो टोटल 80 बोन्स होती हैं अंडर एक्सियल स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो एपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 126 बोन्स, आउट ऑफ विच 120 आर लिम्ब बोन्स एंड 6 आर गर्डल्स. तो आप लिखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन डैश 126 बोन्स. एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंडर कितने गर्डल्स होते हैं? 6. एंड लिम्ब बोन्स कितनी होती हैं? 120. गर्डल्स में जो 6 गर्डल्स होते हैं उनमें 4 पेक्टोरल गर्डल होते हैं और 2 पेल्विक गर्डल होते हैं. और जो 120 लिम्ब बोन्स होती हैं उनमें 60 अपर लिम्ब बोन्स होती हैं. लेफ्ट आर्म में कितनी होंगी? 30 और राइट लिम्ब में कितनी होंगी? 30. तो टोटल 60 लिम्ब बोन, अपर लिम्ब बोन और लोअर लिम्ब बोन कितनी होती है? 60. 30 ईच होती है हर एक लिम्ब में. तो लिम्ब बोन 120 होती हैं, 60 होती हैं अपर लिम्ब में और 60 होती हैं लोअर लिम्ब में. तो आपका एक्सियल स्केलेटन किससे बना होता है? 80 बोन से. एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 126 बोन्स. अब अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन से बना होता है? 26. तो आप फॉर्मूला लिखेंगे C7 T12 L5 S1 फ्यूज्ड C1 फ्यूज्ड. ये फॉर्मूला है फॉर अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम. इन्फेंट्स में कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 33. फॉर्मूला होता है C7 T12 L5 S5 C4. अडल्ट और इन्फेंट की वर्टिब्रल कॉलम में ये डिफरेंस आता है कि अडल्ट की वर्टिब्रल कॉलम में जो S और C जो लास्ट की दो वर्टिब्रा होती हैं, दैट इज सेक्रल एंड कॉक्सिस वर्टिब्रा, ये दोनों क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती है. अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम में S1 फ्यूज्ड, C1 फ्यूज्ड. लेकिन इन्फेंट्स के केस में कितनी सेक्रल वर्टिब्रा होती हैं? 5, और वो फ्यूज्ड नहीं होती है. कॉक्सिस 4 होती हैं और वो फ्यूज नहीं होती हैं. तो अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स, वेयर हैज इन्फेंट्स में 33 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. हर मैमल के पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए. आर वर्टिब्रा हैज 4 कर्वेचर्स. ह्यूमन बींग्स के वर्टिब्रा में कितने कर्वेचर्स होते हैं? 4 कर्वेचर्स होते हैं. स्कैप्यूला एक बोन होती है जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, आपके कॉलर बोन के पास प्रेजेंट होती है. रफली ट्रायंगुलर शेप की होती है. तो आपको पूछा जाता है कि स्कैप्यूला कौन सी रिब से लेकर कहां तक एक्सटेंड करती है, तो आपको याद होना चाहिए स्कैप्यूला एक्सटेंड्स फ्रॉम 2nd to 7th रिब. स्कैप्यूला ट्रायंगुलर शेप की बोन है जो कि एक्सटेंड करती है 2nd to 7th रिब. अब बात करते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बोन्स की. रिस्ट बोन जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, 8 इन नंबर. पाम बोन, मेटाकार्पल्स 5 इन नंबर. और फिंगर्स की जो बोन होती है जिन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं, दे आर 14 इन नंबर. अब हम लोअर लिम्ब की बात करें तो एंकल बोन, टार्सल्स 7 इन नंबर. जो आपकी सोल की बोन होती है, मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर. और जो आपके टोज होते हैं, फेलेंजेस 14 इन नंबर. हिप बोन कौन सी होती है? हिप बोन आर ऑल्सो नोन एज कॉक्सियल बोन एंड दे आर 2 इन नंबर. अब लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? फीमर होती है. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. अब कुछ और वैल्यूज जान लेते हैं जो कि मसल्स से रिलेटेड हैं. मसल्स कंट्रीब्यूट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट. ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट में से मसल्स कितना कंट्रीब्यूट करती है? 40 to 50%. ह्यूमंस के केस में मसल फाइबर की लेंथ क्या होती है, जो मसल स्केलेटल मसल होता है वो बहुत सारे सेल से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मसल सेल या फिर मसल फाइबर। तो ईच मसल फाइबर इन केस ऑफ ह्यूमंस हैज अ लेंथ ऑफ 10 to 30 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो मसल फाइबर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव अ लेंथ ऑफ 10 to 30 सेंटीमीटर एंड 10 to 100 माइक्रोमीटर का उनका डायमीटर होता है। अब जो आपका मसल फाइबर होता है वो कितने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का बना होता है? ईच मसल फाइबर इनसाइड द स्केलेटल मसल टिश्यू इन ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ 3000 एक्टिन एंड 1500 मायोसिन फिलामेंट। हर एक मसल फाइबर 3000 एक्टिन और 1500 मायोसिन फिलामेंट का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन किसने दी थी? हैंसन एंड हक्सले ने दी थी। कब दी थी? 1954। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन वाज गिवन बाय हैंसन एंड हक्सले इन 1954। अब लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन नॉर्मली हमारे ब्लड में कितनी होती है? तो आप लिखेंगे नॉर्मल और रेस्टिंग लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज 10 मिलीग्राम पर 100 ml। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और बहुत थक जाते हैं तो ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज और फटीग हमारी लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 200 mg per 100 ml। नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर इंसान रेस्ट पे है तो उसमें लैक्टिक एसिड, उसके ब्लड में लैक्टिक एसिड होता है 10 mg per 100 ml। लेकिन हैवी एक्सरसाइज करने के बाद लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है कितनी? टू 200 mg per 100 ml। जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर वो 2 मिलीसेकंड्स का होता है। लेटेंट पीरियड जिसे हम कहते हैं द पीरियड बिटवीन पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन एंड बिगनिंग ऑफ कंट्रैक्शन, ये भी 2 मिलीसेकंड का होता है। तो बोथ रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड लेटेंट पीरियड आर ऑफ 2 मिलीसेकंड्स। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 639 मसल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड 639 मसल्स। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो यही थी इंपॉर्टेंट वैल्यूज रिलेटेड टू द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एट ईज फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।